सो ये रहा अपना आंध्रा, ये रहा अपने सामने दूरदर्शन। फाइनली अभी हम लोग शिवपुर चौराहे तिराहे, अभी मॉर्निंग में बताओ 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बताओ गजब मजा रहा दोस्त, हिमालयन पे गजब। यार 80 तो यूं छू दे रही है। तो फाइनली टोल प्लाजा आ गया, चाबी ऑन कर लेते हैं, पहले ग्लव्स पहन लेते हैं, फिर उसके बाद बैठो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ठीक 5:58 पे राइड स्टार्ट किए हैं और साइड मिरर को इसको सही कर लेते हैं। आइए अभी बार बार साइड मिरर सेट करना पड़ता है। ओहो, तो बहुत दिनों के बाद पूरे गियर्स के साथ और नई बाइक के साथ लो 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 लो। सुबह सुबह मॉर्निंग में रोड सन्नाटी मिलेगी और फटाफट निकल जाएंगे हम लोग। गर्म तो राइडिंग में बहुत लग रहा है, अब स्टार्ट किए हैं तो हल्की हल्की हवा अंदर पहुँचेगी तब जाके आराम मिलेगा। तो मॉर्निंग में राइड में जाने में मज़ा ही अलग है। और सुल्तान को तो मिस कर रहा हूँ, लेकिन सुल्तान से ज़्यादा पिकअप और भागने में बहुत आगे है बाइक। स्कूटर और बाइक में फ़र्क है, उसमें बहुत स्लोली और बहुत मतलब कि केयरफुल होके भगाना पड़ता था, तो क्योंकि कंट्रोल जल्दी नहीं होते थे। और इसमें बाइक में है कि कंट्रोल करना भी आराम रह रहा और भाग भी रही तेज, तो ऐसा लग रहा कि पहले से मैं अपग्रेड हो गया। एंड्रॉयड वर्जन जैसे चेंज होता है ना मोबाइल का, उसी तरह। तो लाइफ में अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। पहले निकाल लेते हैं, पास भाई ने दिया था। यार इसको थोड़ा सा साइड मिरर को ऊपर करते हैं, दिख नहीं रहा है सही से। सो ये रहा अपना आंध्रा पुल। मॉर्निंग में तो एकदम सन्नाटा हो रहा, ट्रैफिक तो है ही नहीं। यही अगर से इवनिंग या आफ्टरनून में रहे तो ट्रैफिक बाप रे खतरनाक रहती, खतरनाक। ऊपर से ट्रेन भी जा रही है। ऑफिशियल तैयारी होगी, फिर उसके बाद तबाही मचाएंगे, धूम मचाएंगे। तो यहाँ से साइड ले लेते पहले, कोई आ नहीं रहा है मिरर में। ये रहा अपने सामने दूरदर्शन टावर बनारस का। बहुत केयरफुल होके चलाना है, क्योंकि सुल्तान नहीं है जो सिंगल एक्सेलेरेटर खाली पे फोकस करो और ब्रेक पे। यहाँ क्लच ब्रेक गियर एक्सेलेरेटर चारों चीज पे फोकस करना पड़ रहा है। हैबिट तो है नहीं, सुल्तान के साथ चलाने की हैबिट थी नॉर्मल में, तो इस टाइम पूरा फोकस। लेकिन भाई बॉस जो भी कहो, बाइक बाइक है, स्कूटर स्कूटर है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलाने में मज़ा ही अलग आ रहा है। और क्या चल रही बॉस, मज़ा आ रहा है चलाने में। सो फाइनली अभी हम लोग शिवपुर चौराहे तिराहे पे पहुंच गए। अब यहाँ से हम लोग को कोई टेंशन नहीं, अब सीधा निकलना है। पेट्रोल तो फुल कराया था जब डिलीवरी के टाइम, और अभी 115 किलोमीटर चल चुकी है तो अभी और चलेगी। अभी मॉर्निंग में बताओ 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है, और 20 मिनट में अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं घर से। इतनी देर में पहुँच जाएंगे, सुल्तान के साथ गया था लास्ट टाइम 1.5 घंटे में पहुंच गया था, अब इसके साथ देखते हैं।
गजब मजा आ रहा है दोस्त, हिमालयन पे गजब मजा आ रहा है, लग ही नहीं रहा यार। मन कर रहा हो चौचक भगा दें, ऐसा लग रहा है कि पावर आ गई है मेरे हाथ में। गजब, मतलब कि समझ लो कि 80 तो ऐसे मजाक मजाक में छू दे रही है 80, और पता भी नहीं चल रहा है कि कब जा रही है, एकदम स्मूथ पहुंच जा रही है। क्योंकि सुल्तान को 85 80 पे पहुंचा था तो एकदम हवा, एकदम सुल्तान एकदम थरथराने लगता था, इसमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एकदम थाम के बाइक चल रही है, जिसका मुझे पहले ही फील था। क्योंकि हैवी वेट का तो बेनिफिट मिले ही गया, और हैवी वेट है तो गाड़ी एकदम थाम के चल रही है। तब से सोचो अगर से मैं लद्दाख जब सुल्तान के साथ गया था, इसके साथ जाता तो कितना आराम से मैं पूरा ट्रिप करता और अच्छे से। बहुत स्ट्रगल किया था सुल्तान के साथ फर्स्ट टाइम, लेकिन आप लोग की मोहब्बत और प्यार की वजह से मैं आगे पहुंच गया। हो जो भी था तब अल्लाह का रहम व करम, आप लोग की दुआएं हैं जो आपका भाई धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। भाई कोई भी इंसान है धीरे धीरे स्टेप बाई अपग्रेड करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आपका भाई बहुत तरक्की करेगा। बस आप लोग भी अपना प्यार देते रहें इसी तरह। क्या नाम है आपका? नुमान। चलो मिलते हैं ब्लॉग में आपको, ठीक। बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा पीछे रील उल डाला, अपडेट दिया, और अभी फ़िलहाल 6:49 हो गए सुबह के। अभी मौसम तो आज बढ़िया है, बेहतरीन है, तो गर्म भी नहीं लग रहा, अच्छा भी है, और आज इसी तरह रहे तो अच्छा है, क्योंकि शाम में वापस भी आना है। यार 80 तो यूं छू दे रही है 80 तो, एकदम नॉर्मली, एकदम पूछो मत, मजा आ जा रहा दोस्त चला के, कसम से क्या फीलिंग आ रही है ना राइड करके हिमालयन को, पूछो मत, एकदम कंफर्ट लग रहा है। के निकलना है अगल बगल ट्रक बीच में से, हम निकलेंगे जय। जब लद्दाख गया था सुल्तान के साथ तब घर से 6 बजे निकला था, और आज भी मैं जौनपुर के लिए निकला हूँ तो 6 बजे। लेकिन इस टाइम मैं सुल्तान के साथ गया था तो 1 आवर में जौनपुर रीच कर गया था, और अभी तक मैं हिमालयन के साथ नहीं गया है, क्योंकि उस टाइम लॉन्ग डिस्टेंस का कवर करना था, इसलिए मैं फटाफट भाग रहा था। और आज है कि ज़्यादा लंबा जाना नहीं है, तो इसलिए आराम से जा रहे हैं चिल आउट करते हुए, तो इसलिए अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। अभी हम लोग बाबतपुर ही एयरपोर्ट क्रॉस किए हैं, और सामने अपने चमचमाती रोड आ गई है, आप कवर करते हैं, देखते हैं 90 जाती है कि नहीं जाती है। गई अब तक की मेरी टॉप की स्पीड है 90, अपग्रेड होगा। अभी क्या है ना, साथ में है पिलियन तो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं हो रहा है, स्लो कर लेते हैं, भगाएंगे धीरे धीरे भगाएंगे, क्योंकि अभी कर्व आ गया, क्योंकि कर्व आता है ना अब उनकी फटती है, क्योंकि अभी इतना प्रो नहीं हुआ हूँ ना राइडर, तो अभी अपने बस छोटे मोटे राइड से कर लेते हैं। फाइनली 100 तो भगा दिया, लेकिन पीछे से डिमांड आ गई स्लो कर लो। अभी तक 148 किलोमीटर राइड हो चुकी है जब से मैं बाइक डिलीवरी लिया हूँ, और फुल करवाया था, तो अभी
ई पे आने वाला है, तो सोच रहा हूँ पेट्रोल क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है माइलेज कितना दे रही अभी तक। 2 लीटर डिलीवरी शोरूम से मिला था और 1000 का डलवाया था, तो मे बी 11 और 2 30 लीटर और 15 लीटर की टंकी है, तो कितना माइलेज दे रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंप पे भरवा लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, वैसे भी डलवाना ही है, तो फिर इससे अच्छा भी डलवा लेते हैं। इंडियन ऑयल, पेट्रोल, का पेट्रोल डलवाया फिर फुल पे आ गई, समझ में नहीं आ रहा अभी तो ई पे थी, कितना इसका फ्यूल टैंक मीटर खराब नहीं है ना दोस्त, एक बार एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इसका तभी जाके होगा। और जौनपुर हम लोग इंटर कर चुके हैं, करने वाले हैं, और यहाँ से अब हम लोग राइड लेंगे जौनपुर सिटी के लिए, फिर उसके बाद शाहगंज के लिए निकलेंगे। तो फाइनली टोल प्लाजा आ गया है, अब हम लोग को किधर जाना है, आगे जाके राइट लेना होगा मे बी शायद, किधर से निकलना होगा आगे से रास्ता होगा वो रहा जौनपुर के लिए, इधर से जाएं तो आगे से राइट लेते हैं। अपने आप बंद हो जा रहा है, फुटेज आने रही है, अब यही अंदर अंदर चलना है। 7:40 के 7:45 हम लोग जौनपुर में पहुंच चुके हैं और अभी जौनपुर में मार्केट खुली नहीं है। मज़ा आ गया भाई हिमालयन से आ